अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम ज़ीशान रज़ा और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, मारिया कत्ल केस में अहम जो इंकशाफात हैं वो सामने आए हैं और इस केस में बड़ी पेशरफ सामने आई है। आज के इस व्लॉग में तमाम तरह जो तफसीलात है वो आपके सामने रखूंगा और आपको बताऊंगा कि ये सारे केस की एक तो मुकम्मल कहानी आपके सामने रखी जाएगी। क्योंकि देखें, इब्तदाई तौर पर जो एक वीडियो सामने आई और वीडियो में देखा गया कि भाई जो है वो अपनी सगी बहन को कत्ल कर रहा है मुंह पर तकिया रखकर, और साथ जो है वहां जो ये सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुई इसमें बाप भी मौजूद है और इसमें एक खातून को देखा गया। उस खातून का क्या किरदार है, वो खातून कौन है और जो ये शख्स वीडियो बना रहा था उसका इस केस में क्या किरदार है, क्योंकि अहम इंकशाफात सामने आ चुके हैं। ये जो दो मुल्जिम थे, क्योंकि पुलिस ने इब्तदाई तौर पर ये दो जो मुल्जिम थे बाप और बेटा, यानी अब्दुल सत्तार बाप है और जो बेटा है वो फैसल है, इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया था, जिसके बाद ये दो जो बाकी मुल्जमान थे उनकी गिरफ्तारी अभी रहती थी, जो कि वो भी गिरफ्तारी अमल में लाई जा चुकी है। शहबाज जिस जो ये शख्स वीडियो बना रहा था और उसकी जो बीवी है, उसकी अहलिया है, उसका नाम सुमेरा है, उन्हें भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो ये अहम तफसीलात मैं आपके सामने आज के इस व्लॉग में रखूंगा और आगाज में आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। तो नाज़िर, मेरी कोशिश होती है कि जो भी अहम वाकया हो, क्योंकि इब्तदाई तौर पर कुछ तफसीलात अभी आनी बाकी होती हैं, उसकी वजह यह होती है कि पुलिस ने अपना एक काम करना है, वर्क करना है, इन्वेस्टिगेट करना है, हर एंगल से इन्वेस्टिगेशन करनी है और अब वो तमाम इन्वेस्टिगेशन जो हैं वो काफी हद तक मुकम्मल कर ली जा चुकी हैं। कुछ रहती हैं क्योंकि अभी इसमें मेडिकल जो रिपोर्ट इब्तदाई तौर पर आई है उसमें तो ये इंकशाफ किया गया है कि ये जो मकतूला है उसे पहले सबसे पहले तशद्दुद किया गया, यानी पहले गला नहीं दबाया गया बल्कि पहले तशद्दुद किया गया। हो सकता है कि तशद्दुद से उसकी मौत हो चुकी हो और बाद में अगर उसकी कुछ सांसें बाकी थी तो इन इस सफात मुल्जिम ने, जिसका नाम फैसल है, इसने मुंह पर तकिया रखकर जो है गला दबाकर, क्योंकि जो इब्तदाई मेडिकल रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक जिस्म पर जो तशद्दुद के निशानात है वो भी वाजिया है और उसके साथ जो गले की हड्डियां भी टूटी हुई हैं, तो इससे यह बात साबित होती है कि गला दबाकर भी कत्ल किया गया है। काज ऑफ डेथ गला दबाने से हुई। अभी हाँ, अब जो अहम इल्जाम है वो सुमेरा ने लगाया जो कि मकतूला की भाभी थी। ये क्या कहती है, और अभी क्योंकि जो दो रोजा मजीद जो रिमांड है जिस्मानी वो लिया गया है मुजमान का, अब इसमें अहम पहलू है कि क्या, क्योंकि ये जो इस वक्त वायरल है ये मामला कि इस खातून मकतूला का रेप किया गया, यानी इसको ज्यादती का निशाना बनाया गया। अगर इसके साथ ज्यादती हुई है तो उसके लिए अलग से जो डीएनए और सैंपल्स जो हैं वो लिए जा चुके हैं, मजीद लिए जा रहे हैं और उसकी फाइनली जो रिपोर्ट होगी उसमें इंकशाफ होगा, पता चलेगा कि कौन कौन मकतूला के साथ ज्यादती करता था। क्योंकि सुमेरा ने बड़े संगीन नोयत के इल्जाम आयद किए हैं और ये इल्जाम जो आयद किए गए हैं वो किए गए हैं सुमेरा जो कि भाभी है मकतूला की, और सुमेरा ये कहती है कि जी मुझे एक रोज कबल मकतूला ने मारिया ने बताया था कि मेरा जो वालिद और मेरा भाई ज्यादती करता है। लेकिन अब जो दो मुल्जमान यानी अब्दुल सतार और फैसल बाप बेटा ने इल्जाम आयद किया कि ये जो ज्यादती करता था वो करता था शहबाज, यानी जो वीडियो बनाने वाला मुल्जिम है वो है शहबाज जो उस जगह मौजूद था जो कि वीडियो बना रहा था। शहबाज ये कहता है, वो अपनी ये स्टेटमेंट देता है जी कि मैंने वीडियो वहां पर बनाई और बड़े छुप के मैंने ये वीडियो बनाई, मैं उसको नहीं बचा सकता था, मैंने वीडियो इसलिए बनाई ताकि मेरे ये मैं दुनिया को बता सकूं कि ये वाकया इस तरह हुआ। अब सवाल ये है क्योंकि इब्तदाई तौर पर तफ्तीश हो रही है, इसमें बहुत से इंकशाफात आने अभी बाकी हैं, जो अभी तक तफसील आई है वो मैं आपको बता रहा हूं, वो डिटेल्स आपके साथ में शेयर कर रहा हूं। शहबाज ने वीडियो क्यों बनाई, ये बहुत अहम है कि वो वीडियो वहां पर मौके पे मौजूद था, वीडियो बना रहा था। सुमेरा ने ये कहा है, उसकी जो अहलिया है उसने ये कहा है जी कि मेरा जो शौहर था वो डर चुका था, क्योंकि मेरे सुसर और मेरे देवर ने कहा कि अगर तुम लोग चीखो पुकार करोगे या किसी को बताओगे तो हम तुम्हें मार देंगे, इसलिए वो वीडियो छुप के बना रहा था और अपनी बहन को फोन कर रहा था, फोन का बहाना बनाकर वो वीडियो बना रहा था। अच्छा, इसमें एक चीज ये भी आई है, क्योंकि देखें मेरा काम है, एक जर्नलिस्ट का काम है, तमाम तफसीलात दोनों, इसमें दो स्टोरीज सामने आई है, ये दोनों स्टोरीज आपके साथ रखनी है, आपके सामने रखनी है। इसके बाद देखेंगे कि आगे क्या चलकर एक इस केस में मजीद पेशरफ क्या आती, क्योंकि वजीर आला पंजाब मरियम नवाज जो है उन्होंने इस केस को हाई प्रोफाइल केस जो है वो डिक्लेयर कर दिया है।
अब इसमें मामला यह है कि मारिया के साथ ज्यादती किसने की, कौन कौन ज्यादती में इन्वॉल्व था, कौन कौन ज्यादती करता था, क्योंकि सुमेरा ये इल्जाम आयद करती है कि जी मुझे तफसीलात सारी बता दी थी मारिया ने, और उसके बाद जो शहबाज है जो गिरफ्तार है इस वक्त, शहबाज ये कहता है जी कि मैंने कहा कि मैं सुबह ये सारा मामला बिरादरी के यानी अपने खानदान के सामने रखूंगा और तुम लोगों को बेनकाब करूंगा। अब इसमें यह हुआ कि पुलिस को इतला मिली, पुलिस ने जो है वो इस वाकये के 10 रोज बाद, क्योंकि ये जो वाकया है वो 17 से 18 मार्च की दरमियानी शब में ये वाकया जो है वो पेश आया, जिसके बाद जब ये मर्डर होता है, ये कत्ल होता है, तो उसके बाद ये जनाजे का ऐलान किया जाता है मुल्जमान की जानिब से, बाप और बेटे की जानिब से, यानी भाई जिसने कत्ल किया है उसकी जानिब से कि जी मकतूला जो मारिया है उसे हैजा हुआ, फूड पॉइजनिंग हुई और वो जो उसे तबई मौत जो है वो आई है और उसका उसकी तदफीन उन्होंने कर दी। जिसके बाद फिर 10 रोज बाद ये केस सामने आया और पुलिस ने जो है फौरी तौर पर इस पर इन्वेस्टिगेशन की, तहकीकात की, कबर कुशाई की गई और फिर पोस्टमार्टम हुआ। और अभी जो इब्तदाई तौर पर जो तफसीलात सामने आई हैं वो जैसे कि मैंने आपके साथ शेयर की हैं, अभी मजीद क्योंकि जो डीएनए लिए गए हैं, मजीद जो सैंपल्स लिए गए हैं, जो ज्यादती वाला मामला है ये बहुत अहम मामला है कि ज्यादती, देखिए मामला तो देखें मर्डर तो मर्डर है, 302 तो कंफर्म है, और अभी जो मुल्जिम अब्दुल सत्तार है वो ये कहता है जिस के मुल्जिम फैसल ने जो कत्ल किया है वो गैरत के नाम पर किया है। पहली तो बात यह है कि ये आखिर में चल के मैं कुछ तफसील आपके साथ शेयर करूंगा कि ये जो जो गैरत की बात की जा रही है कि कत्ल कत्ल होता है, ठीक है, और माँ बाप का काम, जो वालदैन का काम है वो बच्चों की तरबियत करना है, बच्चों की परवरिश करना है। हाँ, आपको बच्चों को सही और गलत का फैसला बच्चों के अपने हाथ में है, और दूसरी बात यह कि आप बच्चों को रहनुमाई बच्चों की कर सकते हैं, लेकिन बच्चों के आप हाकिम नहीं है कि आप जो कहें वो बच्चे करें, और अगर वो बच्चे उस तरह से आपकी बात को तस्लीम नहीं करते तो फिर आपको किसी भी वालदैन को, भाइयों को, बच्चों की यानी बच्ची है या बच्चा है, लड़का है या लड़की है, उसको कत्ल करने का कोई हक नहीं है, कानून इस बात की बिल्कुल इजाजत नहीं देता है। और जो लोग अपने औलाद को अपनी प्रॉपर्टी समझते हैं तो उन जैसे लोगों के लिए ये जो केस है ना, ये बड़ा हाई प्रोफाइल केस डिक्लेयर हो चुका है। ये जो है आप वो जो सफाक कातिल है उन्हें इंतहाई इबरतनाक जो है वो सजा दी जाएगी, उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। और अभी इस केस में क्योंकि ये जो बाकी दो मुल्जम तो पहले गिरफ्तार कर लिए गए थे, इब्तदाई तौर पर पुलिस ने जो है वो गिरफ्तार किए थे, जिसके बाद ये दो मुल्जम जो क्योंकि उस जगह पे जो मौजूद थे वो चार अफराद थे जो कि वीडियो में देखा जा सकता है, एक तो शख्स है जो शहबाज जो वीडियो बना रहा है, दूसरा उसकी अहलिया सुमेरा, तीसरा फैसल और जो जिसने गलत चेहरे पे तकिया रख के जिसने कत्ल किया, जिसने गला दबाया, और वालिद जो था उसने रस्सियों से उसको चारपाई से मकतूला को बांधा हुआ था। ये उस जगह चार अफराद मौजूद हैं। सुमेरा ने कहा जी कि दो नामालूम मुल्जमान भी वहां पर मौजूद थे आए, जिनके हाथ में असला मौजूद था, जबकि वीडियो में कोई ऐसा मुल्जिम जो है वो नहीं देखा गया है। ये कोई उसके पास से खुद से स्टोरी है, वो सामने अपने पास से बना रही है। इसमें तो देखें अभी गिरफ्तार हो चुके, पुलिस जो है वो इनसे उगलवा लेगी, पुलिस जो है वो इन्वेस्टिगेशन कर रही है। और यहां पर मैं पुलिस को दाद देता हूं कि पुलिस ने बर वक्त जो है वो फौरी तौर पर कार्रवाई करते हुए इन्वेस्टिगेशन जो है वो की और तमाम जो मुल्जमान हैं उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। मजीद अब इंकशाफात सामने आएंगे कि क्योंकि ये बहुत सख्त किस्म का इल्जाम है कि ये तमाम जो अफराद थे भाई और बाप ये मिलकर उसे ज्यादती का निशाना बनाते थे। दूसरा ये है तस्वीर का दूसरा रुख जो है वो ये है कि जी उन्होंने गैरत के नाम पर कत्ल किया है। दोनों सूरतों में इन लोगों को तो जो है वो सजाए मौत होगी और इन्हें कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। जुर्म करने वाला कितना ही शातिर क्यों ना हो कानून की गिरफ्त से नहीं बच सकता है। लेकिन ऐसे एक जो केसेस हैं वो मुस्तकबिल में सामने ना हो, हम सबको मिलकर काम करना है, लोगों को शऊर को उजागर करने की जरूरत है, जहालत से बाहर निकालने की जरूरत है। इसके ऊपर जो हमारी जो निजी तंजीमें यानी निजी जो एनजीओज हैं, सेमिनार्स, लोगों को इस हवाले से आगाह करना जो है वो उसके ऊपर आगाही के ऊपर काम जो करना है वो बहुत जरूरी है। और यकीन करें इंतहाई अफसोसनाक ये वीडियो है और
जैसे ये वीडियो सामने आई तो बहुत सारे सवालात खड़े हो गए कि इंतहाई अफसोसनाक, और ये इस वाकये में जितने लोग मुलव्वस हैं वो ये तमाम सफाक मुलजमान हैं जिन्होंने बेदर्दी के साथ जो है मकतूला मारिया को कत्ल किया है। और अगर हम बात करें इन मुलजमान की तो ये जो बाकी दो मुलजमान जैसे सुमेरा और शहबाज हैं, शहबाज जो वीडियो बना रहा था ये भी खुद को क्लियर नहीं कर सकते क्योंकि अगर ये वहां पर चिल्लाते चीहो पुकार करते तो मारिया की जान बच सकती थी। तो नाज़रीन आप क्या कहते हैं, अपनी राय का इजहार वीडियो में जरूर करें, कमेंट के साथ अपनी राय का इजहार करें और हमें सब्सक्राइब करें ताकि मजीद आने वाली अहम खबरें आप तक इसी तरह से पहुंचती रहें। मुझे इजाजत दें, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।